नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। बिहार के बेउर जेल के डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी की भ्रष्टाचार के मामले में नीतीश सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक थी और इस बैठक में जो है उनकी बर्खास्ती पे मोहर लगाया गया है। देखिए, मामला जो है वो 2017 का है, आय से अधिक संपत्ति का है, भ्रष्टाचार का है, अंडर टेबल पैसा लेने का मामला है और इस मामले में जो है अब आरोप सिद्ध हो गया है और इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। नीतीश सरकार के द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है, डीआईजी शिवेंद्र प्रियदर्शी को बर्खास्त किया गया है। कल कैबिनेट की बैठक में जो है इस पे मुहर लगाया गया है। आपको बता दें कि पटना के बेउर जेल के पूर्व सुपरिटेंडेंट प्रियदर्शी की भ्रष्टाचार के एक मामले में नौकरी चली गई है। गृह विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। विशेष सतर्कता इकाई यानी कि SUV ने 2017 में आय से अधिक संपत्ति मामले में शिवेंद्र प्रियदर्शी के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की सलाह के बाद उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सही पाए गए। नीतीश कैबिनेट ने मंगलवार को उनकी बर्खास्ती पर मुहर लगा दी है जिसके बाद उनकी नौकरी चली गई है। अब आपको पूरा मामला बता देते हैं कि पूरा मामला क्या है। मामला 2017 का है और इसी के आरोप को जो है अब सिद्ध कर लिया गया है। तो DIG को जो है अंडर टेबल पैसा कमाना महंगा पड़ गया है, उनकी नौकरी चली गई है। आपको बता दें कि गृह विभाग द्वारा जारी 7 पेज के अधिसूचना के अनुसार SUV ने 5 मई 2017 को DIG शिवेंद्र प्रियदर्शी के आवासीय परिसर पर छापेमारी की और उनकी आय से ज्ञात स्रोतों से ज्यादा संपत्ति और निवेश का पता लगाया। SUV ने जब छापा मारा तो उनके अगले दिन जो है शादी की सालगिरह थी। SUV के अधिकारी ने राजधानी पटना में लश काउंटी और वृंदावन अपार्टमेंट में स्थित उनके फ्लैटों पर छापेमारी की जिसमें 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। FIR के अनुसार शिवेंद्र और उनकी पत्नी रूबी प्रियदर्शी की अब तक की कुल आय 1.00 करोड़ थी जबकि विभिन्न मदों और उनके खर्च 39.79 लाख था। इस प्रकार उनकी संभावित बचत जो है वो 61.47 लाख थी। अब SUV को भारतीय स्टेट बैंक में 14 लाख रुपए की सावधि जमा के अलावा 17 खातों की भी जानकारी मिली है। सूचना के अनुसार DIG ने LIC, ICICI, प्रोड्यूस और बजाज अलायंस जैसी बीमा पॉलिसी में 30 लाख रुपए का निवेश किया है। SUV को 1.6 लाख नगद, एक लॉकर, 6 लाख रुपए के आभूषण, 4 पहिया वाहन और जयप्रकाश नगर में एक आधिकारिक निर्माण लागत 7 लाख रुपए का जो है फ्लैट भी मिला है। ये सारे जो संपत्ति हैं वो आय से अधिक पैसों की संपत्ति है और इस पे जो है अब नीतीश सरकार ने उनकी बर्खास्ती पर मुहर लगा दी है और कल के कैबिनेट बैठक में जो है इस पे मुहर लगी है। BPSC यानी कि आयोग से बात करने के बाद मुहर लगाई गई है। तो जेल DIG जो है उनकी नौकरी चली गई है। मामला आय से अधिक संपत्ति का है, भ्रष्टाचार का है, अंडर टेबल पैसा कमाने का मामला है जिस मामले में अब शिवेंद्र प्रियदर्शी की नौकरी चली गई है और उन पे SUV का जो है अब छापा शुरू हो गया है और नौकरी जा चुकी है जिस पे मुहर कल नीतीश सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में लगाई थी। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।